गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी लवर्स। सो गाइज़ आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ गाइज़, ये सेसा का हेयर एंड इन लोशन है। गाइज़ ये 90 रुपीज़ का है, इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है और गाइज़ इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स है। सो गाइज़ इस तरह का प्रोडक्ट है ये। गाइज़ इन्होंने बोला है कि हेयर ऑयल इन लोशन। गाइज़ इसमें हेयर ऑयल भी है और ये एज अ लोशन भी है। तो गाइज़ इसमें आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, तो गाइस ये वो 4 टाइप्स के ऑयल्स हैं। सो गाइस इस तरह का है सेसा का। तो वैसे इसकी खास बात ये है कि ये हमारे हेयर्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। तो गाइस इसने इन्होंने बोला है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो गाइस इन्होंने बोला है कि हेयर फॉर हेयर ग्रोथ रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑल्सो इम्पोर्टेड द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोलिक लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। गाइज इसमें जो इन्होंने बोला है कि ये हमारे हेयर्स को हेल्दी रखता है और विटामिन वगैरह ये हमारे हेयर को ग्रोथ करते हैं। तो गाइज इन्होंने बोला है कि ये हमारी हेयर्स के प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेयर ग्रोथ, ये हमारी हेयर ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है और हेयर ग्रोथ करता है। तो गाइज इसे यूज़ कैसे करना है। तो गाइज इन्होंने बोला है कि इट शुड बी अप्लाइड ऑन अ ड्राई हेयर। गाइज जिस टाइम आपके ड्राई हेयर हो उस टाइम आपको इसे यूज़ करना है। सो गाइज इसके टेक 4 or 6 drops ऑफ द सेसा हेयर ऑयल इन लोशन इन योर पाम एंड मसाज इन टू योर स्कैल्प एंड हेयर विद योर फिंगर टिप्स। गाइज जिस टाइम आपको लेना है 4 or 6 drops लेने हैं सेसा हेयर ऑयल के इन अ लोशन इन योर पाम एंड अपने हाथों पे 4 or 6 drops लेने और मसाज अपने अपने स्कैल्प पे अपने हेयर पे मसाज करनी है अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से। लेट इस ट्राई इन द वायल एंड देयर कॉम। जिस टाइम आपके ये ड्राई हो जाए उसके बाद वो आपको कॉम कर लेनी है। गाइस इससे क्या होगा कि हमारे हेयर की ग्रोथ भी होगी और हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी भी होंगे। सो गाइस मैंने इसे कम से कम 1-2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ मुझे तो बहुत पसंद आया तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा और 2-in-1 हेयर इन लोशन है। सो गाइज़ इसे 50 ml का है यार, अच्छा है ना 90 में 2-in-1 हेयर ऑयल इन लोशन। वैसे इसे मैं खोल के बता देती हूँ किस तरह का है। सी गाइज मेरे थोड़ा सा कैप में पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। सी गाइज इस तरह का है कि क्रीमी सा, सही गाइज ये क्रीमी सा है, ये ऑयल एंड लोशन है। तो गाइज इस तरह सा है। और इसकी फ्रेगरेंस की बात करूं तो वैसे इसकी बहुत ही मीठी सी फ्रेगरेंस है, जैसे शैम्पू की होती है उस टाइप की इसकी फ्रेगरेंस है। तो गाइज देख सकते हो आप सेसा का 2-in-1 लोशन एंड ऑयल। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।